Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dil se dil tak. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dil se dil tak. Happy birthday to you.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dil se dil tak. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dil se dil tak. Happy birthday to you. गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, ये है प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन थ्री। मैं हूँ आरजे नरेश कुमार, मेरे साथ हैं आरजे अंकित जो कानपुर से आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और आज हम दोनों ये शो लेकर आए हैं क्योंकि आज है पार्टी सेलिब्रेशन। जी हाँ, रेडियो उड़ान के इस प्रोग्राम यानी कि दिल से दिल तक का जो प्रोग्राम है, इसको पूरे 3 साल हो चुके हैं। 3 साल और 3 दिन का ये शो हो चुका है। 3 साल कंप्लीट करने के बाद हम हर साल इसका बर्थडे मनाते हैं, इसी तरह से इस बार भी हम इसका बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे हैं। हालांकि ये बर्थडे सेलिब्रेट करने की जो टाइमिंग है वो आपको पता है, हर साल की तरह 11 दिसंबर होती है, लेकिन आपको पता है शेड्यूल आगे पीछे होता रहता है, कैलेंडर हमारे हिसाब से नहीं चलता है। तो जैसे ही मौका मिला हमने पार्टी मनाने का और पार्टी सेलिब्रेट करने का, अपने लिसनर के साथ हम आ गए हैं शो में और आपके साथ हमने शुरू कर दिया पार्टी। पहला एक गाना जो आज हमने प्ले किया, नॉर्मली हम हमेशा गाना प्ले करते हैं आपके लिए, लेकिन आज पार्टी मूड है तो बिल्कुल पार्टी माहौल देने की कोशिश की आपकी। चलिए अंकित को भी बुला लेते हैं और फिर बातें करेंगे आपके साथ। आप भी तैयार हो जाएं अपने स्काइप और अपने मोबाइल फ़ोन के साथ, व्हाट्सअप और बहुत सारे मीडियम्स जो हमसे जुड़ने के लिए हैं उनके साथ। पहले अंकित, बहुत बहुत स्वागत है शो में। जी गुड इवनिंग, नमस्कार, सुस्वागतम। मैं हूं अनोखा अंकित और मैं चाहूंगा अभी तो 3 साल हुए हैं, ऐसे और साल आते जाएं और ये अपना बर्थडे मनाता जाए, क्योंकि रेडियो वालों का हर एक शो अपने आप में अलग है, अनोखा है। उसमें से एक ये शो भी है जहां पर आप अपने दिल की बात करते हैं। मैं सबसे पहले नरेश को बधाई देना चाहता हूं और नरेश के तमाम उन फैंस को जो उनका शो डेली रात में 10 बजे, मतलब डेली नहीं, हर थर्सडे रात में 10 बजे आते हैं, सुनते हैं बड़े ध्यान से। एक सवाल नरेश से है ये कि इन 3 सालों में आपका सबसे फेवरेट कौन सा एपिसोड रहा? कि देखिए शो तो फेवरेट होता है, ये बच्चे की तरह होता है, बट उस एक मोमेंट होता है, वो पल होता है, वो कौन सा रहा? चलिए, फेवरेट शो कौन सा रहा इस पे तो अभी बहुत बात करेंगे हम बाद में। पहले लिसनर्स को बता दें कि आप हमारे साथ शो में जुड़ सकते हैं, अपनी विशेष पूरी रेडियो उड़ान की टीम को, इस शो को, हमारे सभी सुनने वालों को और जो लिसनर हमें बहुत प्यार करते हैं या कम प्यार करते हैं, उन सभी को भाई सबको बहुत बहुत मुबारकें। और हम सब से आप अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, विशेष पहुंचा सकते हैं, और हमसे जुड़ने के लिए आपको कॉल करना होगा हमारी स्काइप आईडी रेडियो उड़ान RADIO UDAAN, या फिर हमारे मोबाइल नंबर जो इस शो का ऑफिशियल नंबर है यानी कि 9015173846, इस नंबर पे हमें छोटी सी मिस कॉल दें, हम आपके साथ शो में बातचीत करेंगे शो के दौरान। और पूरे शो में आज हम आपके साथ बातें करने वाले हैं बहुत सारी, आप शो को लेके कोई बात हमसे पूछ सकते हैं, शो के बारे में कुछ कह सकते हैं, कोई कमेंट कर सकते हैं, आने वाले सीजन को लेके कुछ कह सकते हैं, चाहे तो आप पिछले सीजन जो गया है या जो चल रहा है, इनफैक्ट जो चल रहा है अभी, उसके बारे में भी अपनी बात रख सकते हैं। बहुत सी ऐसी बातें जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें कुछ भी आज शो के बारे में, क्योंकि आज शो का बर्थडे है तो नॉर्मली हम अच्छी बातों के साथ साथ थोड़ी खट्टी मीठी बातें अगर आपके मन में है शो को लेके तो वो भी एक्सेप्ट करते हैं, वो भी आप शेयर कर सकते हैं। तो ये मीडियम, इसके अलावा आप अपने व्यूज़ हमको शेयर करना चाहें तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.radiodan.com, फीडबैक सेक्शन में जाके आप अपनी राय हम तक पहुँचा सकते हैं। फेसबुक पर आप आ सकते हैं, फेसबुक पर आएँ और दिल से दिल तक का अपना पेज है और पेज के साथ साथ रेडियो उड़ान का जो पेज है, दोनों पेजेस को आप लाइक करें, वहाँ पे आप अपने कमेंट्स पोस्ट कर सकते हैं और अपने व्यूज हम तक पहुँचा सकते हैं। दिल से दिल तक का जो अपना फेसबुक ग्रुप है दिल से दिल तक के नाम से, और रेडियो उड़ान का जो ग्रुप है, उन दोनों ग्रुप्स को भी आप ज्वाइन करके अपनी बात हम तक पहुँचा सकते हैं। ऐसे बहुत से माध्यम, और अगर आप व्हाट्सअप के चाहने वाले हैं तो भाई व्हाट्सअप पे जो हमने आपको अभी नंबर बताया था वो नंबर, और साथ में हमारा उड़ान लाइव शोज नाम का जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें भी अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। तो इतने सारे माध्यम, कुछ किसी भी तरीके से आप हमसे जुड़ें, बात करें, शो में जो कहना चाहें वो कह सकते हैं। और आज तो पार्टी मूड है तो कोई पार्टी सॉन्ग अगर आप सुनना चाहें तो उसके लिए भी आप रिक्वेस्ट हमें कर सकते हैं। बहरहाल अंकित, कुछ कहना चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं कि एक होता है 3 साल का सफर, एक ये साल भी खत्म होने वाला और साल के एंड में इसका सेलिब्रेशन होना, यानी कि अपने आप में एक पार्टी की शुरुआत सी हो जाती है। और वैसे भी लोगों के मन में तैयारियां चली होती हैं तो
इस साल के भी शो की अगर हम बात करें तो कौन सा स्पेशल एपिसोड रहा वो भी जानेंगे लोगों से, आप लोगों से भी, और आपकी नए साल की पार्टी कैसी होने वाली है उस पर भी बातचीत करेंगे। ये बात ठीक है, अगर आप ये कहें कि हमने आज से, यानी कि आज जो तारीख है उससे हमने इस साल के ख़त्म होने की और नए साल के आने की पार्टियों का जो दौर है वो शुरू कर दिया है। पहला बर्थडे के शुरू, भाई केक के साथ बातचीत शुरू की जाए। चलिए अगला गाना भी आपको जल्दी सुना देते हैं और गाने के बाद फिर आपके साथ वापस आएंगे और बातें करेंगे इसी शो के बारे में। हालांकि इस शो को लेके हमने एक दो वीक पहले एक स्पेशल शो आपको जरूर सुनवाया था, उसका भी पर्पज यही था कि आपके पास शो के बारे में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। लेकिन आज भी हम थोड़ी सी बात जरूर करेंगे, आपके व्यूज लेंगे, आप भी तैयार हों हम भी तैयार हों, क्योंकि अब बारी है एक और गाने की। और ये गाना भी जो ला रहे हैं हम आपके लिए बहुत ही फेवरेट सॉन्ग, इसके लिए भी पार्टी सॉन्ग है। आज कोई भी सॉन्ग ऐसा नहीं मिलेगा जो बिना पार्टी मूड के आपके साथ बजाया जाएगा। तो एक गाना और आपके लिए, फिर हम आते हैं वापस आपके पास इसी शो में। Hey!
हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे दिल से दिल तक, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे दिल से दिल तक, हैप्पी बर्थडे टू यू। वेलकम बैक, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, ये है प्रोग्राम दिल से दिल तक season 3। मैं हूँ आरजे नरेश कुमार और वापस आ गए आपके पास इस प्यारे से गाने के बाद, जो एक पार्टी सॉन्ग था। और काफ़ी लोगों को तो भाई मज़ा आया होगा इस गाने को सुन के, क्योंकि बहुत लोगों का गाना फेवरेट है और जिसकी बात की गई है वो भी बहुत लोगों की फेवरेट होती है। तो चलिए कोई बात नहीं, और हमारे साथ अभी अंकित जुड़े हुए हैं और बात कर रहे हैं हम आप बर्थडे सेलिब्रेशन की। बिल्कुल, इस शो को 3 साल पूरे हो गए हैं और लिसनर्स का जो प्यार हमारे साथ है, हमारे साथ जो उनका सपोर्ट है, पिछले लगातार 3 सालों से आप हमारे साथ हैं। और कोई शो अगर लगातार 3 साल चल जाए तो कहीं ना कहीं ये मैसेज तो है कि लिसनर चाहते हैं, लिसनर पसंद कर रहे हैं और शो को सपोर्ट मिल रहा है सुनने वालों का। क्योंकि रेडियो पे जो भी शो चलता है वो सिर्फ अपने लिसनर्स की वजह से चलता है, और अगर लिसनर ना हो तो शो नॉर्मली बंद हो जाया करते हैं। लेकिन ये शो लगातार 3 सीजन पूरे कर रहा है और तीसरा बर्थडे हम इसका मना रहे हैं, इसका मतलब लोगों का प्यार हमारे साथ लगातार बना हुआ है। क्या कहते हैं अंकित? जी, लोगों का प्यार उस दिन बना रहता है जिस दिन मैं नहीं आता हूँ। जब मैं आता हूँ तो लोग गायब हो जाते हैं। इस शो के साथ तो कम से कम ये हिस्ट्री है, मगर उम्मीद ये करेंगे कि आगे जब भी मैं आऊँ या आज भी लिस्नर आएंगे, कमाल का होगा। और कहते हैं ना कि लोग प्रेजेंट देते हैं बर्थडे पर, तो नरेश का प्रेजेंट मिल रहा है इस सबको इस बार। बिल्कुल, प्रेजेंट का तो सिर्फ इतना है कि लिसनर हमें सुनते हैं और बातें करते हैं। और दिल से दिल तक की खास बात ये कि इस शो में आप लगातार उन बातों को शेयर करते हैं, उन बातों के से हमें रूबरू कराते हैं जो शायद आपकी ज़िंदगी से जुड़ी होती हैं। तमाम तरह की ऐसी बातें जो आपकी अपनी ज़िंदगी से जुड़ी हैं और इतनी संजीदा बातें होती हैं कई बार कि आप अपनी फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स या क्लोज फ्रेंड्स से भी शेयर नहीं करते, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे आके आप यहाँ हमारे साथ शेयर करते हैं, बातें करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं कि आप चीज़ों के बारे में कैसे सोचते हैं और क्या कहते हैं। ये अपने आप में एक खास बात है कि एक रेडियो शो जिस पे आप सिर्फ हमें हमारी आवाज़ से जानते हैं, एक रिश्ता बना हुआ है जो सिर्फ आवाज़ के माध्यम से चल रहा है काफ़ी सालों से, वहाँ पर आके आप अपना भरोसा हम पे दिखाते हैं, अपनी प्राइवेसी मेंटेन करते हो या ना करते हो वो एक अलग बात है, लेकिन फिर भी आप अपनी बातें हमारे साथ शेयर करते हैं, वो अपने आप में एक अनूठा और एक खास रिश्ता है हमारा। और यही एक रीच है हमारी, यही पहुंच है आपके दिलों तक इस शो की। और जो इस शो का पूरा एक उद्देश्य था, मोटो था कि हम लोगों के दिल तक पहुंच पाएं और आपसे बात करें कि आप क्या चाहते हैं। पिछले लगातार 2-3 सालों में हम हर साल आपका इस शो का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, अलग अलग गाने सुनते हैं और बहुत सी बातें लोगों के साथ हम लगातार करते रहते हैं। अंकित ने एक सवाल पूछा था कि फेवरेट शो कौन सा है मेरा पिछले 3 सालों में, वो मुझे बताना है। तो एक बहुत मुश्किल सवाल अंकित ने मुझे बताया है, और उन लिसनर्स के लिए ज़रा मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूं। वैसे तो जब भी लिसनर्स को पता चल ही गया है कि जब भी हमारा कोई स्पेशल शो होता है तो हम अपना सेगमेंट जो मेरी आवाज़ का होता है, जो लगभग इसी टाइम पे प्ले होता है आपके लिए, और उसमें हम अलग अलग पार्टिसिपेंट की बातें आपको सुनवाते हैं, अलग अलग लिसनर्स की जो परफॉर्मेंस होती है वो आपके सामने पेश की जाती है। क्योंकि आज का शो वेरी बहुत स्पेशल है और आज हम पूरा शो अपने लिसनर्स को डेडिकेट कर रहे हैं, इस शो को पूरी टीम को, खास तौर पे अपने लिसनर जो हमें सब जगह सुनते हैं हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर, सबको डेडिकेट कर रहे हैं। तो इसलिए हमने इस सेगमेंट को कैरी फॉरवर्ड कर दिया, यानी कि अगले शो में ये आपको सुनने का मिलेगा। आज की रिकॉर्डिंग्स हमारे पास आ गई थी और पहली बार वो रेडियो पे परफॉर्म करने वाले थे काफ़ी, तो उनकी रिकॉर्डिंग हमारे पास है, लेकिन कोई बात नहीं, उनको हम आपको नेक्स्ट वीक ज़रूर सुनवाएंगे। अंकित कह रहे थे कि गाने कौन कौन से हैं और आज क्या है, अंकित को कुछ गाने भी अपनी पसंद के थे, उनकी पसंद का भी एक गाना और प्ले कर देता हूँ मैं जल्दी से आपके पास, और फिर कोशिश करेंगे कि अपने कुछ लिसनर से आपके साथ बातें कराएं शो में और बात करवाएं और उनसे पूछें कि शो के बारे में वो क्या कहना चाहते हैं। हमने आपके लिए एक दो गाने ऐसे भी रखे हैं जो सिर्फ आज आपको म्यूजिक मूड देंगे और कुछ नहीं देंगे। तो चलिए, अंकित का एक फेवरेट गाना जो उन्होंने अभी टेक्स्ट, हालांकि कॉल पर हैं फिर भी टेक्स्ट मैसेज करके जो बताया वो प्ले कर देते हैं,
और इस प्यारे से गाने के बाद वापस आपके पास आएंगे और कुछ बातें अपने लिसनर्स के साथ। चले वे भी नाच नाच के तोड़ दे सैंडल, आंटी पुलिस बुला लेगी तो यार तेरा कर लेगा हैंडल। सूचना जनहित में जारी, जिसको अपनी जान भारी, चुपचाप वो फ्लोर पे आए, फ्लोर पे आके नाचे गाए, नखरे वखरे ना दिखाए, शर्म तो करते बाए बाए, माइकल जैक्सन वाले दो तीन एक्शन करके दिखाए। पार्टी करनी है हम पार्टी करेंगे, किसी के भी पापा से नहीं करेंगे, दिखाए जिसकी बम में है दम। मस्ती है माहौल में, चाय तुम्हारी है, सारे थके बैठ गए पर अपनी पार्टी जारी है। मस्ती है माहौल में, चाय तुम्हारी है, सारे थके बैठ गए पर अपनी पार्टी जारी है। पंगा तो कोई शुरू करे, अपनी भी गरारी है, अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dil se dil tak, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dil se dil tak, happy birthday to you. Welcome back. गाना आपने सुन लिया और इसमें भैंस चराने जो भी चला गया वो चला गया, हम यहाँ चरा नहीं रहे हैं, हम आपको सुना रहे हैं गाने और सेलिब्रेशन कर रहे हैं 3 साल के दिल से दिल तक का। तो मैंने कहा आपसे कि 3 साल का फेवरेट शो, लोगों से भी पूछेंगे कि वो कितनी बार आए हैं शो पे, मतलब पूछना बनता है। और दूसरी ये बात कि इस साल सबसे बढ़िया शो कौन सा रहा, तो इससे पहले नरेश मेरे ऊपर बाउंसर फेंके, वैसे भी टेस्ट मैच में देखता हूँ तो मैं अपने आप ही बता देता हूँ, इस साल का सबसे अच्छा शो तब था जब कुछ दिन पहले गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाली बात चली थी और उस शो में पार्टिसिपेशन भी बहुत ज्यादा हुआ था, तो वो इस साल का सबसे मेरा फेवरेट शो है इस शो के अंदर। तो अब मुझ पर बाउंसर नहीं फेंक सकता, नरेश आइए आपका स्वागत है। नहीं, इस पे एक्चुअली वरुण अंकित इस बात को इसलिए बता रहे हैं बड़ी हाईलाइट करके, क्योंकि पिछली बार वो कई बार 2-3 बार शो में आए और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली ये तो मुझे नहीं पता कि दुर्भाग्यवश या सौभाग्यवश कि जब भी अंकित ने शो में पार्टिसिपेट किया उस दिन लिस्नर जो थे हमारे नदारद थे, वो बिल्कुल नहीं आए। तो जिस दिन येला शो हुआ उस दिन अंकित ने पार्टिसिपेट किया शो में, आके आए वो शो में होस्ट किया और उस दिन लिस्नर तादाद में आए, बहुत बड़े नंबर में लोगों ने पार्टिसिपेट किया, इसलिए अंकित का वो शो फेवरेट बन गया। अंकित अगर उस शो को छोड़ दें उसके अलावा कोई शो याद आता हो? उसके अलावा मेरे को लास्ट ईयर का जब सेलिब्रेशन था बर्थडे वाला, मुझे वो भी ध्यान आता है कैसे
नरेश ने खुद सुनाई थी अपने पहले एपिसोड की ऑडियो। मुझे लगता है आज भी नरेश घबराते होंगे वो पहला वाला ऑडियो सुनने के बाद कि नहीं, अब कॉन्फिडेंस आ गया है कि नहीं। नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल बहुत टेरिफिक था थोड़ा सा मेरे लिए कि कैसा वो शो था और जैसे रिकॉर्ड हुआ कैसे हुआ, वो सब बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, आज बात नहीं कर रहे हैं उस बारे में। चलिए एक और आरजे हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, काफ़ी देर से प्रतीक्षा में हैं, लाइन में हैं। 3.25 मिनट की टाइमिंग दी थी अंकित ने, ज़्यादा हो गया टाइम। वरुण बहुत बहुत स्वागत है शो में। बहुत बहुत शुक्रिया नरेश और सभी लिसनर्स को, मेरा नमस्कार आदाब और सत श्री अकाल। और नरेश, जैसे अभी अंकित आपसे बात कर रहे थे जी, कि इनको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला शो अच्छा लगा, लगता है मुझे लगता है कि उसी शो से इनको लगता है किसी ने सुना और वो इनकी गर्लफ्रेंड बन गई है, ये भी हो सकता है। भाई ऐसी किस्मत हमने पाई नहीं अभी। नहीं नहीं अंकित, अब आप छुपाओ मत। नहीं, मैं देखो चीजें छुपाता नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी करता हूँ, कोई काउंट डाउन करता हूँ, तो छुपाने वाली कोई बात ही नहीं है। वो लिसनर जिन्होंने ऐसी गलती की हो और अंकित को प्रपोज किया, वो हमें जरूर बिल्कुल मैसेज करके आज बता सकते हैं कि उन्होंने अंकित को प्रपोज किया। प्रतीक्षा में है वो, तो कि जब भी आप करें देखना, बिना सुने वो हाँ कर देंगे। एक बार आप ट्राई करके बिना सुने अगर इनको पता चल जाए कोई प्रपोज करने वाला, हाँ कर देंगे। अरे इस शो में हमने वो लिसनर्स उन लिसनर्स को भी देखा है जो अपने दिल की बात इस शो में रखते हैं और अपने लिए किसी फ्रेंड को सर्च करते हैं, और कई बार तो हमारे पास जो मैसेज थे वो ऐसे भी आते हैं कि हमें कोई फ्रेंड चाहिए और इस शो के थ्रू मिल जाए तो बहुत अच्छी बात। तो लोगों ने ऐसी विशेष भी जाहिर की, लेकिन जब उन्होंने मैसेज यहाँ पे पोस्ट किया या हमारे तरह लोगों को पहुँचवाया ये मैसेज, उसके बाद परिणाम क्या हुआ वो आज तक हमें नहीं पता चला। मेरे ख्याल से अगर ना मिला होता तो शायद ज़रूर बताते, क्योंकि अगर ना मिलता तो लोग शिकायत जरूर करते, लेकिन मिलने के बाद बताते नहीं हैं। तो उम्मीद है जिन लोगों ने ऐसा कहा था उनको मिल गया होगा। और नरेश, या वरुण, मेरा जो फेवरेट शो है दिल से दिल तक का, एक तो वो शो है जब आपने एक, अगर आपको याद हो, आपने एक टॉपिक रखा था कि आपको सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है। जी जी बिल्कुल, जिसकी शुरुआत हमने सारे लिसनर्स को डरा दिया था, बिल्कुल शुरुआत ही मैंने की थी। उस दिन जिस दिन ये शो शुरू हुआ था, उस दिन स्टार जो शो था वो वरुण ने शो शुरू किया, तो मेरे पास कुछ कॉल भी आए थे, कुछ मैसेज भी थे जिन्होंने पिछले 5 मिनट में ये मेरे को मैसेज करके पूछा, क्या घर में सब कुछ ठीक है, आप शो नहीं कर रहे हो, कोई और शो कर रहा है, क्या बात है। फिर बाद में पता चला कि सब कुछ ठीक है मामला। तो इस तरह की बातें हो जाती हैं। और इस शो में हमने पिछले अवरी आपके साथ शेयर किया कि 3 साल के दौरान लगभग, आज हम जो इसका एपिसोड कर रहे हैं यानी कि 14 दिसंबर 2017 में, ये 144वां एपिसोड है, 144th शो हम आपके साथ आज होस्ट कर रहे हैं, आपके लिए प्ले कर रहे हैं। लगभग मोर देन 120 टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस इन दिस शोज, मतलब 120 से ज़्यादा टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं लिसनर के साथ। तो एक अचीवमेंट है इस शो के लिए, हमें लिसनर सुनते हैं हर बार, कुछ लोग हमसे हर साथ जुड़ते हैं, हमारी बातें सुनते हैं। और हर शो के अलावा एक खास बात यह कि शो में नए लिसनर जब भी आते हैं, एक नया इंसान हमारे साथ जुड़ता है, अपनी बात रखता है। इस कहते ना, इस दुनिया में अगर आप बहुत सारी बातें करें और बहुत से लोग आपको सुने, उनमें से एक बंदे से भी अगर आप कनेक्ट कर पाएँ और एक को भी बेनिफिट पहुंचा पाएँ तो बहुत मज़ेदार बात होती है। बहरहाल वरुण ने भी अपनी शो की अपनी गाने की फरमाइश रख दी है। यस वरुण, और भी मेरे शोज फेवरेट हैं, एक शो आपने प्रतीक के साथ किया था वो भी मुझे अच्छा लगा था, एक और भी एक दो शोज मुझे बहुत अच्छे लगे थे जो ये मुझे पसंद करता हूँ मैं जिन शोज को इसमें से। और दूसरा, आज जो मैंने गाना चूज किया है नरेश, वो आपके शो से ही रिलेटेड है जी, सोनू निगम जी ने गाया है गाना, और वो गाना है दिल से दिल तक बात पहुंची। बिल्कुल, ये गाना भी वरुण की जो ख्वाहिश पर इस शो के लिए डेडिकेट कर रहे हैं वो हमारे प्लेलिस्ट में आ गए। बहरहाल जो गाना अभी हम आपको सुना रहे हैं वो भी एक और पार्टी सॉन्ग है, इस गाने को सुनते हैं उसके बाद वापस आएंगे। अभी आपके साथ और बातें करनी है, बहुत कुछ शेयर करना है, और ख़ास बात ये कि अपने लिसनर जो हमें सुन रहे हैं इस टाइम, भाई आप भी अपने मोबाइल से मिस कॉल दे सकते हैं, बिल्कुल हमें मिस कॉल दें 9015173846 इस नंबर पर, आप मिस कॉल दें और शो में पार्टिसिपेट करें या
हमारी स्काइप आईडी रेडियो डॉन RADIOUDN पर हमें कॉल कर सकते हैं। स्काइप पे मिस कॉल नहीं देनी है, सिर्फ मिस कॉल जो है आपको मोबाइल पे देनी है, और स्काइप पे तो आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। बहरहाल एक और पार्टी सॉन्ग आपके लिए, उसके बाद वापस आ रहे हैं हम अपनी पूरी भारी भरकम टीम के साथ। I'm
हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे दिल से दिल तक, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे दिल से दिल तक, हैप्पी बर्थडे टू यू। वेलकम बैक, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, यह है प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन थ्री। मैं हूं आरजे नरेश कुमार, मेरे साथ हैं आरजे वरुण और आरजे अंकित। लेट्स प्ले 2020 नहीं चल रहा है। आज हम बना रहे हैं तीसरा बर्थडे इस शो का, यानी कि दिल से दिल तक ने पूरे 3 साल पूरे किए हैं 2017 में 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर को मंडे था, इसलिए हमने उस दिन तो शो नहीं किया आपके साथ, शो आज है क्योंकि शेड्यूल टाइम ऐसा है। तो जब भी हमें मौका मिलता है पार्टी का, और हमने पहले ही कहा कि आज से हमने पार्टियां शुरू कर दी हैं रेडियो डान पे, तो पार्टीज अब आपको रेगुलर मोड पे मिलती रहेंगी। हमारी एक बहुत अच्छी और रेगुलर इस शो को सुनने वाली, पार्टिसिपेट करने वाली लिसनर हैं, जो हमको अपने वॉइस नोट के थ्रू अपने मैसेजेस पहुँचाती रहती हैं। आज भी हमारे पास एक उन्हीं का वॉइस नोट आया हुआ है, देखें वो आज हमारे पास हमारे लिए क्या पेश कर रही हैं या क्या कहना चाहती हैं इस बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन पे। गुड इवनिंग टू ऑल, मैं श्रेया मुंबई से दिल तक सुनने वाले सभी लिसनर्स को, सभी लिसनर्स का स्वागत है मेरी तरफ से। और जैसा कि आप जानते हैं, आज दिल से दिल तक का थर्ड बर्थडे सेलिब्रेशन है, और ये हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है कि देखते देखते दिल से दिल तक ने ये तीसरा पड़ाव भी पार कर लिया है। तो हम सब बहुत खुश हैं, इस सेलिब्रेशन में शामिल हैं। मेरे साथ दिल से दिल तक का 2 साल पुराना रिश्ता है। मैं 2 साल पहले इस प्रोग्राम से जुड़ी, और मुझे कहते हुए बहुत खुशी होती है कि ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो मुझे बहुत खुशी देता है, और मेरा एक ख़ास तरह का जुड़ाव है इस प्रोग्राम के साथ। मैं अपने आप को रिलेट कर पाती हूँ इसके साथ, और हमेशा से कोशिश करती रही हूँ कि मैं पार्टिसिपेट करूँ इस प्रोग्राम में, और मेरी जो भी राय है, जो भी सोच होती है, वो बेबाकी से, बेतकल्लुफ़ी से आप सबके सामने रखूं, और रखती भी रही हूँ, आगे भी रखती रहूँगी मौका मिलता रहा तो। और मैं रेडियो उड़ान की टीम को, स्पेशली दिल से दिल तक की टीम को बधाई देना चाहूँगी कि उन्होंने इस प्रोग्राम का जो क्या कहते हैं ऐसे एक औरा है, उसको बना के रखा है, और इसमें दिन ब दिन अच्छी अच्छी तब्दीलियां ही हो रही हैं, और काफ़ी सारी नई चीज़ें इन्वेंट की जा रही हैं। अच्छा लग रहा है, आगे भी इस तरह की चीज़ें होती रहेंगी, अच्छे अच्छे टॉपिक मिलते रहेंगे, अच्छे अच्छे कलाकारों को सुनने का मौका मिलता रहेगा, ऐसी उम्मीद के साथ मैं दिल से दिल तक को बर्थडे विश करना चाहूँगी। हैप्पी बर्थडे टू यू। और मेरा जो इन 2 सालों में दिल से दिल तक के साथ जो रिश्ता रहा है, उस रिश्ते को चंद लाइनों में बांधने की कोशिश मैंने की है, जो मुझे फील हुई, तो गौर फरमाइएगा। बुझे हुए दिलों को रोशनी का सरमाया दिया है तुमने, बुझे हुए दिलों को रोशनी का सरमाया दिया है तुमने, कई एहसासों को पनपने का रास्ता दिया है तुमने, कई एहसासों को पनपने का रास्ता दिया है तुमने, जो तुम हो तो तन्हाई भी महफिल है, जो तुम हो तो तन्हाई भी महफिल है, बिखरे हुए जज्बातों को समेटना सिखाया है तुमने, बिखरे हुए जज्बातों को समेटना सिखाया है तुमने। सो आप सबको मेरी तरफ से फिर एक बार अपने बर्थडे की ढेर सारी शुभकामनाएं, और इसी तरह दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते रहें, और
इस प्रोग्राम में चार चांद लगाते रहें और हमारे दिलों का ख्याल रखते रहें। थैंक यू सो मच। तो लिसनर्स, ये थी हमारी एक लिसनर जो मुंबई से श्रेया पादी लगातार शो में पार्टिसिपेट करती हैं और अपने व्यूज हमारे साथ शेयर करती रहती हैं, और किस तरह से उनका जुड़ाव है, किस तरह से उन्होंने अपना सफ़र इस शो के साथ शुरू किया और कैसा उनको लगता है, वो हमें उन्होंने बताने की कोशिश की। और यही फील है जो हम चाहते हैं कि लोगों तक आपकी बात पहुँचे, लोगों की बातें हम तक पहुँचे, और ये जो रिश्ता एक रेडियो के माध्यम से, एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो रिश्ता बना हुआ है वो लगातार बना रहे। श्रेया, बहुत बहुत शुक्रिया शो में पार्टिसिपेट करने के लिए और इतनी सारी विशेष देने के लिए, इतनी तारीफ करने के लिए। बस लेकिन सच बात सिर्फ इतनी सी है कि जब तक हमको सुनने वाले हमारे साथ हैं, उनका प्यार हमारे साथ है, रेडियो उड़ान की पूरी टीम इस शो के साथ सपोर्ट में है, तब तक ये शो यूँ ही चलता रहेगा और तब्दीलियाँ की जो बात है वो बिल्कुल लगातार होती रहेंगी। तो वरुण और अंकित, क्या कहना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? जी नरेश, मैंने भी ये मैसेज सुना, बहुत बहुत अच्छा मैसेज, बहुत बहुत अच्छी विशेज उन्होंने दी हैं दिल से दिल तक, और मैं चाहूँगा सभी लिसनर्स ऐसे ही विश करते रहें। सभी लिसनर्स जो भी विश करना चाहते हैं, वो चाहे नरेश के नंबर पे मिस कॉल करें, चाहे वो डान लाइव शोज में आप अपना वॉइस नोट डाल दें, या फिर जो नरेश का नंबर है मिस कॉल करें, उस नंबर पे नरेश अभी दे देंगे, और हमारी स्काइप आईडी रेडियो उड़ान पे भी आप कॉल्स कर सकते हैं। अब अंकित, वरुण आप बता रहे थे कि शो में दो लोग हैं, एक डुप्लीकेट है, ओरिजिनल है, हमारे साथ कौन बात करने वाला है अभी? नरेश, ये तो आपने राज ही खोल दिया, ये तो गलत बात है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन कि आपने डुप्लीकेट, चलिए हम डुप्लीकेट से बात कर लेते हैं। जी ममता शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सॉरी, गीत गाता चल कह रहा था दिल से दिल तक में, ये प्रमोशन का तरीका, कोई बात नहीं, चलता है, चलता है। जी हाँ बिल्कुल, गीत गाता चल बुधवार को 9-10 से 11 होता है। बहरहाल दिल से दिल तक का बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा है और ये किसी ममता शर्मा की बात हो रही है, चलिए उनसे भी पूछ लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है शो में आपका, लेकिन अब ये डुप्लीकेट वाले की बात हो रही है, क्या हो रहा है डुप्लीकेट, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे भी। हेलो हाय, मैं हूँ अक्षय कुमार, और अंकित ने मुझे बोला था ये डुप्लीकेट नकली का खेल चला, इसे तुम चले जाना, इसलिए मैं आ गया। तो नरेश यार, मैं हूँ अक्षय कुमार और मैं विश करता हूँ तुमको बहुत बहुत जन्मदिन तुम्हारे शो के लिए, और मैं उम्मीद ये करूंगा कि आगे आने वाले साल में तुम ओरिजिनल वाले को लेके आओगे, मुझे डुप्लीकेट को बिल्कुल भी नहीं लाओगे। तो फिलहाल के लिए मैं जा रहा हूँ, अंकित को वापस भेजता हूँ स्टूडियो के अंदर, मुझे बहुत सारा प्रमोशन करना, मेरी नई फिल्म आने वाली है, चलो बाय, निकलता हूँ। थैंक यू जी, थैंक यू। लेकिन हो क्या रहा है, ये प्रॉब्लम क्या है यार, प्ले कुछ कर रहा हूँ, खो कुछ रहा है, कुछ गड़बड़ चल रही है। हेलो हेलो सर जी, आपका नाम? मेरा नाम तो ममता शर्मा है। पहले ममता शर्मा, अक्षय कुमार, ममता, फिर अक्षय कुमार, फिर ममता शर्मा। वरुण क्या कर रहा है भाई, कुछ ठीक कर। ये तो हमारे प्रोड्यूसर का काम है यार, ये तो प्रोड्यूसर जी, क्या कर रहे हैं आप? जब हमने ममता को बुलाया था तब अक्षय आ गए, अब अक्षय, अब अंकित, कौन घुस गया भाई स्टूडियो के अंदर, भाई क्या हो रहा है नरेश को में? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, मैं कुछ ठीक करता हूँ, क्या करूँ, कौन सा गाना प्ले करूँ, वरुण का गाना अभी नहीं, वो तो ठीक से गाना प्ले करना है, कौन सा गाना प्ले कर दूँ मैं, क्या करूँ? ये देखिए नरेश भी कंफ्यूज हो गए, कभी अक्षय कुमार, कभी अंकित, कभी ममता। मैं एक काम करता हूँ, म्यूजिक प्ले करता हूँ, म्यूजिक में गाना सुनने के बाद थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है, चलिए मैं आपको एक म्यूजिक सुनाता हूँ, म्यूजिक सुनाने के बाद वापस आऊँगा तो शायद थोड़ी सी मेरी जो समस्याएं हैं वो हल हो जाएंगी। और जो हमें सुन रहे हैं, अगर भाई आपके पास कोई हल हो तो बिल्कुल ज़रूर मेरे को मैसेज कर दे, मैसेज ना करें बस मिस कॉल दे दें यार, मिस कॉल से भी आज तो काम चल जाएगा। 9015173846 इस नंबर पर मिस कॉल दें, या चाहें तो आप हमारी स्काइप आईडी यानी कि रेडियो डॉन RADIOUDN पर भी हमें मिस कॉल दे सकते हैं, हम बिल्कुल रेडी रखे बैठे हैं आपको कॉल बैक करने के लिए। कॉल करें या मिस कॉल दें, बैलेंस किसी में नहीं खर्च होता। तो अगर जी अगर आप मिस भी हैं तब भी आप इन्हें मिस कॉल कर सकती हैं। हाँ, अगर हम नहीं, आप कुछ भी हैं तो भी आप मिस कॉल दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहरहाल जब मैं आपको गाना, ये एक म्यूजिक प्ले कर रहा हूँ सिर्फ, हमने शो के शुरू में भी एक पार्टी म्यूजिक प्ले किया था, एक और पार्टी म्यूजिक आपके लिए प्ले हो रहा है यहाँ पे, उसको आप सुने, इंजॉय करें, हम आएंगे इस म्यूजिक के बाद और देखते हैं उसके बाद मेरी समस्याएं हल होती है कि और बढ़ती हैं।
घूमना चाहिए। कुछ भी हो सकता है। कोई बात नहीं रजा, अब है ना, मैं जरा बच्चों को रास्ता दूंगा। आओ बच्चों। बट वेयर इज द पार्टी यार? Shut up, both of you!
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dil se dil tak. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dil se dil tak. Happy birthday to you. वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान। ये है प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन थ्री। मैं हूँ आरजे नरेश कुमार। मेरे साथ हैं आरजे वरुण, आरजे अंकित, अभी लापता हैं, दिख नहीं रहे हैं कहीं पे भी, और डुप्लीकेट ओरिजिनल, हाँ ये तो एक ही है भाई सब, इनका नाम एक ही है, ठीक है। ये आज हमारे साथ आरजे राहुल भी जुड़े हैं। राहुल आपका बहुत बहुत स्वागत है शो में। साथ में हमारे साथ एक वॉइस नोट भी मेरे पास है व्हाट्सएप पे, उन्होंने अपना नाम कुछ नहीं बताया, सिर्फ हमें विश भेजे। चले जी कोई बात नहीं, आपकी विशेज भी कबूल, वो भी हम आपको अभी सुनवाएंगे। मेरे साथ अभी हमारे एक लिसनर की बात हो रही थी, ओरिजिनल और डुप्लीकेट दोनों हमारे साथ हैं, चलिए दोनों से बात करेंगे। ममता शर्मा की बात चल रही थी, वरुण बता रहे थे कि ओरिजिनल और डुप्लीकेट दोनों है, तो उनसे भी बात करेंगे। चलिए पहले जल्दी से ऐसा करते हैं कि अपनी जो वॉइस नोट है हमारे पास व्हाट्सएप से भेजा हुआ है उसको सुन लेते हैं, और वो हमारे साथ कौन है जो अपनी बात हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, चलिए उनकी विशेष सुनते हैं और फिर आपके पास वापस आएंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे दिल से दिल तक, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो लिसनर्स ये हैं जिन्होंने अपनी विशेष शो को भेजी हैं, और ये शो में पहली बार पार्टिसिपेट कर रही हैं, और इन्होंने अपना नाम नहीं बताया। चलिए इनका नाम हम बता देते हैं। ये है कि गीतिका जो भोपाल से हैं, उन्होंने एक विश भेजी थी अपनी रिकॉर्ड करके हमें व्हाट्सएप पे, तो वो हमने सुनवाई आपको। और गीतिका आपको भी बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि शो आपका भी है, तो भाई ये बर्थडे सेलिब्रेशन आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। और वापिस आ गए हम शो में। राहुल आपका बहुत बहुत स्वागत है शो में। थैंक यू सो मच नरेश जी, एंड मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस फॉर योर थर्ड एनिवर्सरी ऑफ योर शो। सॉरी योर बर्थडे बोलने वाला था मैं। हाँ कोई बात नहीं जी, सब आपका ही हमारा ही है। आज शो आपका बहुत अच्छा चलता है, मैं रेगुलर लिसनर भी हूँ आपके शो का, और एक दो बार मैंने आपके साथ होस्ट भी कर लिया। वैसे मैं आज चाह रहा था कि शायद आप बुलाएंगे मुझे अपने साथ, बट पता नहीं आपने ऐसा किया क्यों नहीं, मुझे समझ में नहीं आया। आज तो एक स्पेशल डे था आपके लिए, तो आज एक और इंटरव्यू होना चाहिए था आपका। ये मेरे साथ समस्याएं बढ़ती क्यों जा रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इधर से परेशान उधर से परेशान, कैसा बर्थडे, मतलब चलो जी पार्टी के नाम पे कई बार ऐसा भी आपको लगातार मिलता है, जब राहुल भी कह रहे हैं, जब उनको कॉल पे ले लिया हमने, उनके साथ बात कर रहे हैं, आपके साथ वो ऑन एयर भी हैं, फिर भी कह रहे हैं कि शो में आपने बुलाया होता तो अच्छा रहता। चलिए कोई बात नहीं, ऐसा भी होता है ये। वरुण जरा हमारे डुप्लीकेट और ओरिजिनल को बुलाएं जरा प्लीज, थोड़ी सी रेस्ट चाहिए मुझे, 79 सेकंड का एक रेस्ट ले रहा हूं मैं। वरुण जरा यहां से कमांड संभाले जी। तो अभी मैं आप बुलाता हूं जो ओरिजिनल है। ममता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, और सभी लिसनर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और दिल से दिल तक को हैप्पी बर्थडे। नरेश जी को भी बहुत सारी बधाइयां इस प्रोग्राम के 3 साल पूरे होने पर जी। तो आज का प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और काफी मजेदार लग रहा है। तो आप उड़ान आइडल की टॉप 16 की कैंडिडेट हैं, तो कुछ गुनगुना दीजिए थोड़ा सा। हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू, तुम्हें देख के जीती हूँ मैं, तुम ही तो हो मेरी जिंदगी, तुम्हें देख कर हंसती हूँ मैं, तुम ही तो हो मेरी हर खुशी। हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू,
हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू जी। जी ये जो गाना था कुमार शानू, कुमार शानू, सोनू निगम और अलका जी ने गाया आई थिंक सो। बिल्कुल। और बहुत बहुत शुक्रिया ममता इतना खूबसूरत गिफ्ट हमें देने के लिए, इतनी सारी तारीफ करने के लिए, बोलने के लिए। आप अकेले हो अभी, मतलब मैं बाकियों की बुराई नहीं कर रहा हूँ जिन्होंने मुझे थोड़ा सा रिलीफ दिया है समस्याओं के बाद। वैसे ममता ने ये बात बताई कि शो में बड़ा मजा आ रहा है, वो मुझे मालूम है कि गाने, जब गाना आप लोग गाना सुनते हैं तो इधर मेरे को क्या क्या मिलता है वो इसलिए आपको पता नहीं चलता, इसलिए लोगों को बड़ा मजा आ रहा है जो मेरे साथ हैं, मुझे नहीं आ रहा फिलहाल। और डुप्लीकेट वाले को वरुण बाहर निकाल दो क्योंकि अब जरूरत नहीं है, ओरिजिनल वाले ने सब कुछ ठीक ठीक कर दिया है, डुप्लीकेट को लाना ही नहीं अंदर, बोल दो गेट से बाहर ही रखें। यस अंकित। नहीं नहीं नहीं, मुझे डुप्लीकेट वाले को भी सुनना है। अच्छा डुप्लीकेट सिंह को चलो जो डुप्लीकेट को अंदर बुलाया जाए। हां जी डुप्लीकेट को अंदर बुलाया जाए। राहुल आप दिल से दिल तक के गेट कीपर हैं, उन्हें लेके आए। बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम डुप्लीकेट ममता जी का। ममता जी कहाँ पे हैं आप, गेट खोल दिया गया है। ओए ये 2.5 किलो का हाथ है और मैं 2.5 किलो बताया, अगर मैं टेबल पे रख दूंगा कागज के तो कागज टूट जाएगा। वैसे नरेश हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ से ले लो, और मैंने उसको बाहर रखा हुआ है, मैं जा रहा हूँ बाहर, मैं भेजता हूँ उसको। आ जाओ अंदर। हाँ जी शुक्रिया सर जी। हेलो आप भी जगह जा रही हैं? हेलो ममता। हेलो तो बताएं आपको आपको शो कैसा लग रहा है ममता जी, जरा एक बार बताएं। नहीं मुझे शो देखने में तो अच्छा लग रहा है, सुनने में पता नहीं क्योंकि मैं बाहर की थोड़ी देर। ममता जी अभी अभी ओरिजिनल ममता जी ने गाना गाया था, गुनगुनाया था, विशेष करी थी दिल से दिल तक को, कुछ आप भी गुनगुनाना चाहेंगी? माइक के पीछे ये बताओ पहले। माइक पे गुनगुना दीजिए, माइक पे गुनगुना। माइक पे गुनगुनाना पड़ेगा ना, तभी लिसनर्स को सुनाई देगा। तो मैं माइक बाहर ले जाती हूँ, गुनगुना के आ जाती हूँ वापस। आइडिया बुरा नहीं है, चलेगा। आइडिया आपका बुरा तो नहीं है, पर जो हमारे रेडियो लिसनर्स, नहीं नहीं सुनिए सुनिए डुप्लीकेट ममता जी, आइडिया आपका बुरा नहीं है, बट जो इस टाइम शो को सुन रहे हैं लिसनर्स उनको सुनाना है ना हमने, तो आपको शो में ही सुनाना पड़ेगा। फायदा नहीं, इसलिए मैं कई बार जाकर गा लेती हूँ। ठीक है वैसे यही अच्छा रहेगा क्योंकि आप बाहर जाके गाइए, नहीं तो हमारा शो जो एक्सटेंड होने वाला है, कहीं हमारे जो बॉस है कहीं ये ना कहें कि शो को बंद कर दीजिए, तो आप बाहर जाके गाइए प्लीज। इनको बाहर निकालो, इनको इनको बाहर बाहर लेके जाओ। चलो राहुल बाहर लेके जाओ, चलिए बाहर चलिए। डुप्लीकेट जी चलिए बाहर। तो ये हैं इनके डुप्लीकेट और ओरिजिनल को उसके पीछे जो होता है वो मेरे लिए बड़ा भारी पड़ जाता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि गाने ऐसे छोटे से छोटे आपके लिए बजाए जाए। बहरहाल पार्टी चल रही है, सेलिब्रेशन चल रहा है क्योंकि हम 3 साल पूरे हो गए हैं इस शो के, और 4th सीजन भी बिल्कुल जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। हम आपके लिए सजेशन हमने आपके लिए ओपन किए हैं, आप अपने सजेशंस दे सकते हैं, बता सकते हैं आप शो में किस तरह के चेंजेस आप चाहते हैं, किस तरह की बातें आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर अभी तक बात नहीं हुई है, और कौन से ऐसे चेंजेस हो सकते हैं जो शो को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाएं, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, 31 दिसंबर तक हमको बता सकते हैं। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वरुण का जो गाना है उसको भी प्ले कर दिया जाए, और इससे पहले कि हम कोई गाना प्ले करें, और मेरे पास एक मैसेज है अंकित, जरा उस मैसेज का जो वाओ फाउंडेशन का जो एक मैसेज है जरा उसको बता दें लिसनर्स को, ताकि जो लोग हमें सुन रहे हैं उनको उस बारे में कुछ पता चल जाए। जी हाँ, अभी तक काफ़ी सारी चीज़ें वाव वाव हो रही थी, हम लोग बात कर रहे थे म्यूजिक पीछे, यानी कि ऑफ द माइक, और अभी भी हम लोग मस्ती कर रहे हैं, मगर एक बहुत ही सीरियस बात है, वाव फाउंडेशन आपके लिए लेकर आया है सेल्फी जो है कॉन्टेस्ट पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए। अगर आप पर्सन विद डिसेबल हैं तो अपनी एक सेल्फी कीजिए और वाव फाउंडेशन की वेबसाइट पर जाइए और वहाँ पर अपलोड करिए, और 17 तारीख लास्ट डेट है, और कैश प्राइजेस हैं आपके लिए, और इसके ऑफिशियल रेडियो पार्टनर है हम, यानी कि रेडियो वन,
और अभी आपको नरेश कुछ सुनाएंगे अभी से रिलेटेड, तो उस पर ज्यादा डिटेल्स है उसको। बिल्कुल, एक प्रोमो हम आपको सुनाने वाले हैं, इसमें आपको प्रोमो की जो डिटेल्स हैं वो मिल जाएंगी। पहले इस गाने को सुने, एंजॉय करें, और गाने के बाद हम आपके साथ वापस आएंगे। कुछ ही वक्त हमारे पास बचा है कि पार्टी को हम चलाने को, तो आप कितना भी लंबा चलाएं, लेकिन ज़रूरी ये है कि ये रेडियो वाले जो हमें लिमिटेड टाइम देते हैं, वो तो हम इनसे बात कर करके मना मना के, राहुल हमारे बहुत अच्छे हैं जो ये बात जब हम इधर बात कर रहे हैं वो उधर सेटिंग करते रहते हैं कि भाई थोड़ा अभी बंद मत करना, टाइम बढ़ाते रहो जरा तक हम अंदर वाले ना हाँ कर दें। तो वो मैं आपको एक गाना और सुना देता हूँ, फिर राहुल से पूछते हैं हमारे को अभी टाइम कितना और अलॉट किया गया है। उसके बाद आपको वो प्रोमो भी सुनाएंगे जिसकी हम बात कर रहे हैं, वाव फाउंडेशन की जो सेल्फी कॉम्पिटिशन है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। आजकल सेल्फी का ज़माना है, तो अपनी फ़ोटो भेजनी है भाई, दूसरों के बारे में कुछ करना हो तो समस्या होती है, लेकिन अपना कुछ करना हो तो मज़ा आता है। पहले इस गाने को एंजॉय करें, मैं आता हूँ आपके पास इस गाने के बाद, और फिर बात करेंगे आपके साथ अपने शो को लेके। Let's go.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dil se dil tak. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dil se dil tak. Happy birthday to you. वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान। ये है प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन 3। मैं हूँ आरजे नरेश कुमार। मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं स्टूडियो में, आरजे अंकित, आरजे वरुण, आरजे राहुल, ओरिजिनल ममता शर्मा, जो हमारे शो में पार्टिसिपेट कर रही हैं, बातें कर रही हैं। और इसके साथ साथ मजेदार बात ये कि एक समस्या मैंने कहा, कुछ ग्रहण अच्छा नहीं चल रहा है, तो मेरा बैड लक खराब है आज, क्योंकि ये राहुल को काम दिया था कि टीम से बात कर लें हम कितना एक्सटेंड कर सकते हैं शो को। सर जी ने बाहर से गेट बंद कर दिया है, और गेट बंद करने के बाद एक नीचे से स्लिप दे गए हैं, कहने 11:30 तक बंद कर देने, तो हम तुम्हें और बंद कर देंगे। तो चलो जी, कोई बात नहीं, आपका गेट भी खोल दिया मैंने लिसनर्स के लिए, वो कभी भी आ सकते हैं। और बहुत मुश्किल से एक्सटेंशन मिला है आपको, मैं ये बता दूं, क्योंकि जो हमारे बॉस हैं वो भी बिजी थे दिल से दिल तक सुनने में। उनको बहुत बार फोन किया मैंने तो फोन नहीं उठा रहे थे, फिर गुस्से में आकर उन्होंने फोन उठाया और कहा कि अरे भाई क्यों मेरे को डिस्टर्ब कर रहा है, मुझे दिल से दिल तक सुनने दे। तो फिर मैंने उनको कहा कि सर एक्सटेंशन चाहिए था इसलिए फोन कर रहे हैं हम आपको। तो कहते कोई बात नहीं, आप जितना चलाओ जाना, जितना भी शो को आगे बढ़ाना चाहते हैं आगे बढ़ा सकते हैं, मेरी तरफ से खुली छूट है। ये राहुल, ये फिर ये पर्ची जो नीचे से डाली उसका मतलब क्या था? गेट के नीचे से पर्ची? मैं क्योंकि आपको ही सरप्राइज देना चाहता था ये, इसलिए मैंने ऐसा लिख के भेजा। वैसे तो मैं पहले सोच रहा था कि आपको लिख दूं कि एक्सटेंशन नहीं मिला, फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा खुश कर दिया जाए आपको। इन्होंने तो आपकी मर्जी है। इन्होंने एक्सटेंशन की बात बड़े अच्छी हैंडराइटिंग में लिखी है, सुंदर सुंदर शब्दों में, एंड एक्सटेंशन 11:30 लिखा है उसके नीचे। एक उसमें भी एक्सटेंशन की स्पेलिंग गलत है, नरेश चेक करें। नहीं नहीं वो नहीं, उसके नीचे जो इन्होंने उसके नीचे राहुल ने एक बात लिखी है, बड़ी डॉक्टर स्टाइल में लिखी है, डॉक्टर टाइप जो राइटिंग होती है उसमें कुछ लिखा है, उसमें सिर्फ कमीशन ही समझ में आ रहा है। कमीशन का क्या है राहुल, कुछ कमीशन चाहिए? नहीं वो अंकित जी से अभी बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि मैं शो होस्ट कर रहा हूँ आज नरेश जी के साथ, तो मुझे कमीशन चाहिए शो के होस्ट करने के लिए, तो मैंने वो लिखा था। चलिए कोई बात नहीं, मैं इनको दिल्ली कमिश्नर का नंबर जरूर सेंड करूंगा, कोई बात नहीं। तो बिल्कुल ये पार्टी है जहाँ पे लोग मेरी टांग ज्यादा खींच रहे हैं, पता नहीं क्यों। जिसका बर्थडे होता है उसकी नहीं खींचनी चाहिए, कोई बात नहीं। राहुल भी साथ में है, इनको भी आप खींच सकते हैं कभी भी, हमेशा तैयार रहते हैं। बाकी अंकित लंबा हो जाओ, शायद लंबा हो जाओ, इनकी हाइट अभी 2.5 फुट की है, तो इनको टेबल पे उठाने के लिए, इनको टेबल तक या माइक तक पहुंचाने के लिए भी 3 कुर्सियां लगानी पड़ती हैं हमें। ये ज्यादा हो गया। अंकित जी, हेलो अंकित जी, कहाँ गए आप, आपकी कमीशन नहीं है? नहीं हूँ मैं, बहुत बहुत ध्यान से सुन रहा था, बट एक्चुअली ये चेयर लगा रहे थे। अच्छा बिल्कुल ध्यान से, हाँ बताएं अंकित। मैं ये कह रहा था नरेश एंड ये जो राहुल की नोकझोंक है वो इसलिए हो रही है, एक्चुअली राहुल ने पार्टी मांगी है बर्थडे की और जो नरेश दे नहीं रहे हैं, इसलिए आपस में अब बात मेरे ऊपर लाई जा रही है, मतलब बात दोनों की लाई जा रहा है। ममता, शो में आपने एक दो बार पहले भी पार्टिसिपेट किया है, और जो कई सारे टॉपिक हम यहाँ डिस्कस करते हैं उनके, उनको आपने सुना है, तो किस तरह का रिएक्शन अगर आपसे पूछें कि क्या कहना चाहेंगे शो के बारे में, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत अलग अलग तरह के टॉपिक जो है वो डिस्कस करते हैं, लोगों की बात करते हैं, तो कुछ बताएं उस बारे में। जी तो यहाँ पे काफी सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन होती है, तो मुझे जहाँ तक एक याद आता है जिसमें मैंने भी पार्टिसिपेट किया था, कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ सोचते हैं और वो अचानक से बस हो जाता है, तो वो टॉपिक मुझे बड़ा पसंद आया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। एक तो वो, और दूसरे एक हुआ था रिलेशनशिप पे, तो वो भी मुझे बहुत पसंद आई थी। तो ये कुछ शोज हैं, मतलब ऐसे तो सारे ही अच्छे होते हैं पर मुझे दो ये अच्छे लगे ज्यादा। अच्छा कभी आपको ऐसा, जब आपको, अगर आपने उस दिन बताया था कि आपको कुछ पता चल जाता है या मैसेज
मिल जाता है कभी भी अगर कुछ होने वाला होता है तो। अब मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि आपको आज पता चला, आपको कोई इंट्यूशन हुआ आज कि ये अंकित जो आरजे अंकित है इनकी अंदर कोई डुप्लीकेट आत्मा आएगी, वो आपसे बात करेगी, कुछ इंट्यूशन आया हो ऐसा? ऐसा कुछ पता तो नहीं था मुझे, इसलिए जब मैंने डुप्लीकेट का सुना तो मैं भी थोड़ी सरप्राइज हो गई थी। वो ऐसा होता है, मैंने सुना है भगवान जब कुछ अच्छा करते हैं तभी उसका इंडिकेशन देते हैं, जो ऐसी वैसी हरकतें होती हैं कहीं से तो उसकी इंडिकेशन मिलती नहीं है। कोई बात नहीं राहुल, टॉपिक डिस्कशन, राहुल जब टॉपिक पे बात चली है तो कुछ आप भी शो सुन रहे हैं और लगभग पिछले कुछ महीनों से आपने शो सुनना शुरू किया है, तो टॉपिक डिस्कशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी टॉपिक्स तो आपके हमेशा ही कुछ ना कुछ अलग ही लेके आते हैं आप। पिछली बार जैसे था कि आपकी लाइफ में कौन स्पेशल पर्सन है या कौन आपको स्पेशल फील करवाता है, वो बहुत अच्छा टॉपिक था आपका। और रिलेशनशिप पर भी जैसे कि ममता जी ने बोला, और उससे पहले कि जो हमने डिसेबिलिटी के ऊपर किया था मैरिज कंपैटिबिलिटी को लेकर, तो ऐसे हमेशा से दिल तक में सभी जो टॉपिक्स होते हैं हम यूनिक से ही लेकर आते हैं लिसनर्स के लिए। तो मुझे भी एज अ लिसनर अगर मैं बात करूँ तो सभी टॉपिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं और सुनने का भी मन करता है और पार्टिसिपेट करने का भी मन करता है, तो इसीलिए ज़बरदस्ती भी मैं कई बार एज अ लिसनर आ जाता हूँ जब आप मेरे को एज अ होस्ट नहीं लेते हैं अपने साथ तो और मेरे को ममता जी की बात से एक बात याद आई कि इन्होंने उस टाइम ये बोला था कि जो वो सोचती हैं वो हो जाता है। तो ममता जी मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, मैंने आपको कहा था कि आप टॉप 16 में आ जाएंगी और आप आ गई, आपने कोई थैंक यू भी नहीं करा। थैंक यू वेरी मच, मतलब आपको थैंक यू करा उसके लिए क्योंकि मेरी इंट्यूशन थी ना इनके लिए, मेरी इंट्यूशन थी ना इनके लिए। ये पहली बार मैंने लाइफ में देखा है कोई इंसान सरेआम थैंक यू मांग रहा है। क्या करे, बेशर्मी का जमाना है वरुण जी। आजकल थैंक यू लेना पड़ता है वरुण जी, आजकल क्या करे, लोग थैंक यू बोलते नहीं है यार। वरुण मैं आज सेलिब्रेशन में इतना थैंक्स बोल दिया, इट वाज अ पार्ट ऑफ जोक। ममता जी, नरेश जी, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि अगली बार जो हम सीजन स्टार्ट करें सीजन 4 जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि लिसनर्स के लिए कुछ इस शो में और भी ज्यादा अलग होना चाहिए। अभी 3 जो हमने सीजन किए हैं उसमें हर बार कुछ ना कुछ अलग ही था जी, बट इस बार मैं चाहूंगा कि कुछ शो में बिल्कुल ही ऐसा कुछ डिफरेंस लाया जाए कि पहले जो 3 सीजन जाएंगे 2018 में, मतलब याद करेंगे जब इसे लोग, तो कहें कि यार जो 2018 का मतलब बहुत ही बढ़िया सीजन 4 बहुत ही एक्सीलेंट शोज रहे, ये हम सुनना चाहेंगे 2019 में। तो कुछ प्लान कीजिए ऐसा, और सजेशंस तो लिसनर्स की आ रही हैं तो उन्हें ज़रूर फॉलो कीजिएगा। बिल्कुल, हम प्लान कर रहे हैं और बहुत कुछ ऐसा प्लान है जो शायद आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे, और शायद पिछले 3 सीजन जो हो चुके होंगे उसमें से 4th सीजन जो होगा शायद आपके लिए मोर इंटरटेनिंग मोर अट्रैक्टिव होगा, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। राहुल थैंक यू मांग रहे हैं, ममता जी थैंक यू दे रही हैं, वरुण मुझे पता नहीं कौन से हॉन्टेड प्लेस के फोटोज भेज रहे हैं, क्यों भेज रहे हैं ये समझ में नहीं आया, हो सकता है बहुत देर से मैं बोल रहा हूँ कि गाना प्ले करता हूँ अभी तक किया नहीं, चलिए पहले इनका गाना प्ले कर देते हैं, उसके बाद जो मेरे पास कुछ मिनट और बचे हैं कुछ छोटी छोटी बातें इन सब के साथ करेंगे और आपके साथ शो में लगातार रहेंगे। चलिए वरुण का जो गाना है वो प्ले करते हैं, और इन्होंने बोला था कि ये गाना जो है पूरे शो के लिए डेडिकेट है, बिल्कुल ये जो गाना है शो पे सूट करता है, साथ में हम पूरी टीम को पूरे सुनने वालों को हमारे साथ इस टाइम जो लोग हैं चाहे आप हमारे साथ जुड़ पा रहे हो या ना जुड़ पा रहे हो उन सबको इस गाने को डेडिकेट करते हैं, इसको सुने इंजॉय करें और ऑन एयर आके ना सही अपने दिलों में हमें याद रखें और दुआएं देते रहें कि ये शो यूँ ही आगे बढ़ता रहे, हमारे इस गाने के बाद आपके पास वापस।
पहुंची मिलते मिलते सनम, ओ दिल से दिल तक बात पहुंची मिलते मिलते सनम, बेखुदी में बढ़े यूं कदम, हो गए हैं दीवाने से हम, हो दिल से दिल तक बात पहुंची मिलते मिलते सनम, हो दिल से दिल तक बात पहुंची मिलते मिलते सनम। बन गए अपने सिलसिले सपने संवरने लगे, अब तो रात दिन चुपके चुपके तुम दिल में उतरने लगे, इस कदर प्यार तुमसे मिला है जिंदगी अब तो लगती है कम, दिल से दिल तक बात पहुंची मिलते मिलते सनम, ओ दिल से दिल तक बात पहुंची मिलते मिलते सनम। Happy birthday to you,
Happy birthday dil se dil tak. Happy birthday to you. वेलकम बैक आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, ये है प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन 3। मैं हूँ आरजे नरेश कुमार और मेरे साथ तमाम टीम है, वह हमारे साथ बैठी हुई है जो शो में आपके साथ हैं। हम आपके साथ बातें कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं और एक दूसरे को छेड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पार्टी चल रही है। पार्टियों में इस तरह का माहौल आपने अक्सर देखा होगा जब लोग एक दूसरे को छेड़ते रहते हैं, कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। यहाँ पे जितनी ज़्यादा पार्टी शायद ऑन एयर हो रही है उससे ज़्यादा ऑफ एयर हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, पार्टी इसी तरह से चलती है और ज़िंदगी का हिस्सा है कि जब आप खुशियाँ बनाएं या जब भी आप कोई मौका ढूंढ लें अपने लिए कि आप अपने आप को फ्रेश करें, अपने आप को रिलैक्स फील करवाएं, तो वो कोशिश हमने यहाँ पे की कि जब हम अपना बर्थडे सेलिब्रेशन करें, आपको मौका दें हंसने का, खुद भी हंसें, आपको भी हंसाएं। और क्योंकि दिल से दिल तक में टॉपिक डिस्कशन हमेशा होता है, बातें होती रहती हैं, नॉर्मली बहुत सारे टॉपिक डिस्कस होते हैं यहाँ पे, तो माहौल को थोड़ा सा लाइट बनाने के लिए हमने कोशिश की कि आपको कुछ चीज़ें ऐसी दी जाएं जो थोड़ा सा आपको फील करवाएं और अच्छा फील करवाएं। वक्त हो गया कि हमारे जाने का, जो हमें टाइम एक्सटेंशन में मिला था वो भी लगभग ख़त्म हुआ जा रहा है अब, तो उसकी भी बात सही है कि कमीशन भी देना पड़ सकता है बाद में, बहुत सारी दिक्कतें हैं जो मैं आपको नहीं बता सकता भी। बहरहाल इतना ज़रूर है कि इन लोगों से बात करें जो हमारे साथ हैं और बात से पूछें चलते चलते अपने लिसनर्स को शो के लिए क्या कहना चाहेंगे। और एक रिक्वेस्ट इन सब से कि भाई जब भी आप कुछ बताएं और कुछ कहें तो इतना ज़रूर बताएं कि किस तरह के चेंजेस हैं आप लोगों के मन में, जो शायद आपको लगता है कि शेयर का हमें चेंज करना चाहिए या कुछ और वैसे बातें जो हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं। राहुल, आपका एक्सटेंशन का जो टाइम था वो खत्म हो गया है, अब तो आप भी अंदर हैं, हम तो गेट से बाहर सारे ही बाहर इकट्ठे जाएंगे तो जी। बताएं क्या कहना चाहते हैं कुछ सभी लिसनर्स के लिए। लिसनर्स से मैं यही कहना चाहूंगा कि जब कोई सीरियस टॉपिक होता है, बहुत सेंसिटिव टॉपिक्स कई बार इस शोज में आए हैं, तो लोग बहुत ज्यादा हेजिटेट करते हैं लिसनर्स उस टाइम शो में आने में, तो ऐसा मत कीजिए और अपनी बात रखिए शो पे ताकि सब आपको सुन सकें और शायद आपको भी कोई ना कोई सॉल्यूशन मिल जाए आपकी प्रॉब्लम का। तो ऐसा जरूर कीजिए कि हेजिटेट मत हो और शो में पार्ट लें। बाकी तो हमारा फेसबुक पेज है ही जहाँ पे हमें उनके व्यूज और ओपिनियंस मिलते रहते हैं लिसनर्स के, तो बस यही कहना चाहूँगा कि हेजिटेट मत किया कीजिए और अपनी बात खोल के रखिए। बिल्कुल, हम तो आपको ये भी ऑप्शन देते हैं, अगर आप चाहें तो आप अपनी आइडेंटिफिकेशन हाइड कर सकते हैं, यानी कि छिपा सकते हैं, आप ना चाहें तो अपना नाम ना बताएं, लेकिन आप अपने व्यूज़ ज़रूर रखें। और जब भी आप अपने व्यूज़ रखें तो ये सोच के रखें कि जब आप अपनी बातें बताएंगे तो शायद उन बातों से, उन विचारों से आपका कितना भला होगा ये तो नहीं जानता कोई भी, लेकिन शायद उन बातों से किसी दूसरे को रास्ता मिल जाए, किसी दूसरे का फ़ायदा हो जाए, तो आपकी जो बात है वो भी लोगों तक पहुंचेगी और जो बेनिफिट होगा वो आपको उसका शुक्रिया अदा करेगा। इसलिए हमेशा शो में पार्टिसिपेट करें, व्यूज़ अपने ज़रूर भेजें और जो हम टॉपिक्स आपके लिए लाते हैं उन पर ज़रूर बात करें, क्योंकि चीज़ें हमारी होती हैं, समस्याएँ हमारी होती हैं, बातें करना ज़रूरी है क्योंकि हर समस्या का हल एक टॉक है, यानी कि अगर आप बातचीत करेंगे तो समस्या हल हो जाएगी। यस अंकित जी, तीन साल का सफर हो चुका है, बट मैं इतना ही कहूंगा कि कोई भी शो की जो कमाई होती है उसका जो बैलेंस होता है वो उसके लिसनर होते हैं। कितने लिसनर आपको सुनते हैं, कितना आपको लोग प्यार देते हैं, उससे आपका शो का बैंक बैलेंस बढ़ता है, मतलब आपकी अच्छाइयों का बैलेंस बढ़ता है। और हम बदले में आपको रिटर्न गिफ्ट देते हैं, वो रिटर्न गिफ्ट होते हैं कुछ अच्छे अच्छे सेगमेंट्स, कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक्स। तो हम उम्मीद करेंगे आगे आने वाले टाइम में ऐसा ही जो है इस दिल से दिल तक को और रेडियो वन के तमाम सारे शोज को जो है लिसनर्स और मिलेंगे, ताकि हम अपने अच्छाइयों का बैंक बैलेंस और अपने कंटेंट का, क्रिएटिविटी का बैंक बैलेंस बढ़ा पाए और आपको बदले में गिफ्ट दे पाए, रिटर्न गिफ्ट अच्छे कंटेंट के तौर पर। यही बस इतना चाहेंगे, बाकी अभी हम सब लोग यहाँ से बाहर जाएंगे, मस्ती करेंगे क्योंकि अभी तो पार्टी लेनी है नरेश से इस बर्थडे की, तो पूरी मस्ती हम लोग करेंगे। कुछ छोटी छोटी बातें कहना चाहूंगा और यहाँ पर कि जो दिल से दिल तक को अगर आप नाम के थ्रू जोड़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कोई लव सा या लव गुरु टाइप का शो है, बट ये प्योर डेडिकेट उस तरीके का शो नहीं है। आपकी हर एक
टॉपिक को लेता है तो ये डिफरेंट है। मेरे दिमाग में एक आइडिया चल रहा है जो मैं नरेश के साथ ऑफ एयर डिस्कस करूंगा और वो हो सकता है अगले सीजन में आपको देखने को भी मिल जाए अगर नरेश को पसंद आ गया। वैसे मेरे टॉपिक बहुत बेकार होते हैं, बुरा ना मानिएगा। तो ऐसी चीजें हैं और फिलहाल थोड़े प्रमोशन भी होना चाहिए। तो प्रमोशन इस तरह का कि लेट्स प्ले 2020 का मेगा इवेंट है, उसकी लाइंस खुलेंगी बहुत जल्द, आप करा सकते हैं। मेरा शो तो आता है कि संडे को 7 बजे उड़ान टॉप 10, उसे भी खुलेगा इस संडे। तो अंकित ने बहुत सारी बातें एक साथ आपको बता दी हैं और खास बात पे ये मौका दिल से दिल तक ही आपको देता है कि अंकित अपनी तारीफ खुद कर जाए। कहते हैं कि वैसे तो मेरे टॉपिक बहुत खराब ही होते हैं लेकिन फिर भी, तो ये जो अपनी तारीफ करने का जो अंदाज है वो सिर्फ यहाँ पे आपको मिलता है। आप अपने बारे में दूसरों के बारे में जो बात कहना चाहें वो कह सकते हैं और ये बात हकीकत है कि जितने भी टॉपिक हम आपको यहाँ पे देते हैं कोशिश करते हैं कि आप उन पर बात कर पाएं। और कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है शो में कि हम कौन सी टॉपिक डिस्कस करेंगे, किस तरह का शो होगा। नॉर्मली शो पूरा लिसनर्स का है, आप सबका है, आप अपनी बातें रखते हैं, अपनी बातें बताते हैं और बहुत से टॉपिक्स तो ऐसे होते हैं जो हमारे लिसनर्स हमें सजेस्ट करते हैं, उन्हीं पर बात होती है। तो हर तरह से ज़िंदगी से जुड़ी हुई बातें आपकी करते हैं क्योंकि हर चीज़ हमसे जुड़ती है। तो बिल्कुल वो सजेशन भी हम देख लेंगे कि अंकित कौन सा सजेशन हमें देना चाहते हैं और क्या बताना चाहते हैं, उस पर भी बात होगी। बहरहाल वरुण भी कुछ कह रहे हैं। जी नरेश, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, अभी मैंने अंकित को भी सुना जिन्होंने अपनी तारीफ खुद की, ऐसे ही नहीं उन्होंने अपना नाम अनोखा अंकित रखा है, कुछ ना कुछ तो अनोखी बातें करेंगे वो। और दूसरी बात ये कि आप इस शो में आए और अपने दिल की बात रखा करें, आपको भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा, हमारी पूरी टीम को अच्छा लगेगा क्योंकि आप दिल की बात ऐसे शोज में ही कर सकते हैं क्योंकि दिल से दिल तक है और आपसे जुड़ा हुआ टॉपिक ही लेकर के आते हैं हर बार नरेश। तो ऐसे ही आप सुनते रहे रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ और मेरा भी शो आएगा कल शाम में गजल रात को 10 बजे। ये जो आपको ना मैं कह रहा हूँ ना, ये स्वतंत्रता, ये लिबर्टी जो है ना, आपको यही शो दे सकता है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि लेट्स प्ले 2020 के शो में या शाम में गजल में आके आप कुछ और प्रमोशन करें, यहाँ पे आप हर तरह का प्रमोशन कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। नहीं नहीं नरेश, नहीं नरेश ऐसा नहीं है, मैं अंदाज अपना अपना में जाके अपने लेट्स प्ले की भी करके आता हूँ प्रमोशन। और इससे पहले कि राहुल खुद बताएं, भाई हमारे राहुल भी जो है वो भी एक शो करते हैं, बुधवार को इनका शो आता है रात को 9 बजे से लेके 10 बजे तक, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट गैजेट्स जो होते हैं ये उनकी बात करते हैं, उसको भी आप सुने। और यूट्यूब पे भी इनका प्लान है, ये तो यूट्यूब पे भी चैनल क्रिएट कर चुके हैं, वहाँ पे भी आप उस शो उसको सुन सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। राहुल प्रमोट करते, इससे पहले मैंने खुद प्रमोट कर दिया कि खाली वो इसलिए स्पेशली आके बोले। ममता क्या कहना चाहेंगे शो के बारे में और कुछ और मन में आ रहा हो तो? बस इस शो के लिए विश करना चाहूंगी कि हमारा ये शो बिल्कुल, ये नरेश जी का नहीं हम सबका है, तो इसलिए मैंने हमारा वर्ड यूज किया, हमारा ये शो ऐसे ही लोगों के दिल से लोगों के दिल तक पहुंचता रहे और अगले साल और उसके अगले साल और उसके अगले साल इस तरह से हर साल हम इसका बर्थडे सेलिब्रेशन करते रहे और पार्टी इसी तरह चलती रहे। तो ये सब लोग हैं हमारे साथ जो ऑन एयर जुड़ रहे थे, बहुत से लोग जो हमें ऑफ एयर हैं उन जो सुन रहे हैं इस टाइम, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब हमारे साथ जुड़े, अंकित, राहुल, ममता, वरुण और जिन्होंने हमें वॉइस नोट भेजे और जो अभी हमारे को लगातार पिछले लगभग 10 बजे से हमारे साथ शो में जुड़े हुए हैं और सुन रहे हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि शो में आप जुड़े, आपने वक्त दिया और बहुत मजा आया आपके साथ बात करके, एंजॉय करके, पार्टी करके। मुझे भी बहुत मजा आया, मुझे भी आप लोगों के साथ बहुत मजा आया। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि आप लोगों को भी मेरे से मेरा इस शो पे पार्टिसिपेट करना, उम्मीद है कि अच्छा ही लगा होगा, झेल गए होंगे सब मेरी बदमाशियों को भी। नहीं नहीं बिल्कुल, अंकित को बहुत मजा आया है आज उनको दीदी मिली है बड़ी, तो उनको बहुत मजा आया है। तो बिल्कुल ये बहुत सारी पार्टी, और अभी अंकित ने बताया बाद के गाने के बाद का प्लान क्या है। ये अनाउंसमेंट छोटा सा मैं भी कर दूं, प्रमोशन की बात चल रही है तो नेक्स्ट वीक आपको एक स्पेशल गेस्ट मिलने वाले हैं इसी शो में, उसको भी सुनने के लिए आप तैयार हों क्योंकि हमारा स्पेशल
शो होगा ये इस सीजन का आखिरी स्पेशल गेस्ट शो होगा जो 21 दिसंबर को होने वाला है। उसमें भी एक बहुत ही राइजिंग स्टार हैं, या आप ये कह लीजिए कि उभरते हुए सितारे हैं, जिनको हम आपके बीच में लाने वाले हैं। उनसे आपकी बात कराएंगे, रूबरू कराएंगे, आप उनसे डायरेक्ट बात कर पाएंगे शो में, तो उसके लिए भी तैयार रहें। बहरहाल आज हमने आज आपके साथ सेलिब्रेट किया अपना तीसरा बर्थडे। इस शो को 3 साल पूरे हो गए हैं 11 दिसंबर 2017 को, और चौथा साल हमारा शुरू हो चुका है। उसमें आपके लिए कुछ और बेहतर लाएंगे, कुछ और नया करेंगे। बहरहाल मुझे दें इजाज़त इस प्रॉमिस के साथ कि अगले थर्सडे को यानी कि जुम्मा रात को ठीक 10 बजे आपके साथ इसी शो में होंगे, और फिर कुछ नई बातें होंगी हमारे स्पेशल गेस्ट के साथ। और ध्यान रखें कि सजेशंस आपके लिए बिल्कुल ओपन है, अपने सजेशंस दें शो के लिए। व्हाट्सएप नंबर 9015173846 या हमारी स्काइप आई डी रेडियो डॉन RADIOUDN। इसके साथ साथ आप विजिट कर सकते हैं वेबसाइट हमारी www.radioudan.com। फीडबैक सेक्शन में जाना है आपको। रेडियो उड़ान के नाम से हमारा फेसबुक पेज और दिल से दिल तक के नाम से फेसबुक पेज है हमारा, दोनों को आप लाइक करें, वहां पे अपने व्यूज सेंड करें। इसके साथ साथ दिल से दिल तक और रेडियो उड़ान इसी नाम से, इन्हीं दो नाम से हमारे फेसबुक ग्रुप हैं, उनको भी ज्वाइन करें, वहाँ पे भी आप अपनी बातें पोस्ट कर सकते हैं। साथ में यूट्यूब पे आएँ, वहाँ पे भी दिल से दिल तक का जो अपना चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वहाँ पे भी आप अपनी बातें हम तक पहुँचा सकते हैं। बहरहाल सुनते रहें रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, हैप्पी लिसनिंग। जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे, ओ अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी। आपका क्या होगा जनाबे अली, आपका क्या होगा, अपने आगे ना पीछे ना कोई ऊपर नीचे, रोने वाला ना कोई रोने वाली जनाबे आली, आपका क्या होगा। जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे, ओ अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी। आपका क्या होगा जनाबे आली, आपका क्या होगा, अपने आगे ना पीछे ना कोई ऊपर नीचे, रोने वाला ना कोई रोने वाली जनाबे आली, आपका क्या होगा।
होनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे, हो अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी। आपका क्या होगा जनाब अली, आपका क्या होगा, आपका क्या होगा जनाब अली, आपका क्या होगा। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dil se dil tak, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dil se